हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज का ये व्लॉग है, हम जा रहे हैं अमृतसर। मेरी भतीजी की शादी है तो शादी अटेंड करने जा रहे हैं। आज सुबह वहां पर शगुन था लेकिन पेशेंट का बहुत रश था जिसकी वजह से हम जा नहीं पाए, लेट हो गए। अभी आज जो तारीख है वो 10 दिसंबर 2021 है और शाम के बज चुके हैं 6:30। अब यहाँ से हम अमृतसर के लिए निकलेंगे। शादी कल की है और कुछ और प्लानिंग भी है हम, जो कि आपको व्लॉग में दिखाएंगे। शादी के अलावा भी कुछ हमारी प्लानिंग हैं, वो आपसे कल शेयर करेंगे और उसके भी व्लॉग्स हम तैयार करेंगे। तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, शेयर करना, और आप सबके प्यार की जरूरत है। चलिए हम अमृतसर का व्लॉग शुरू करते हैं। तो हम जा रहे हैं अमृतसर, हमारे साथ है गुरजोत जो कि कैमरे के पीछे है, बाद में कैमरे के आगेगा, और जा रहा है मेरे साथ दीपांजे, डैडी अंदर बैठे हुए हैं और मम्मी ऑलरेडी अमृतसर ही हैं। तो हम स्टार्ट करने लगे अभी अपनी जर्नी अमृतसर के लिए, और यहाँ से हम जाएंगे शाबद कुछ काम है थोड़ा, और फिर आगे जाएंगे अमृतसर के लिए। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ अभी खन्ना, और मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है तो मैं अपना खाना साथ लेके आया था। अब 9 बजे से मेरी फास्टिंग शुरू हो जाएगी तो उससे पहले पहले मुझे खाना खाना था। तो साग और परौंठे चल रहे हैं जो कि बहुत ही डिलीशियस है, क्या बताऊँ आपको, साग मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। खन्ना पहुँच चुके हैं, बस यहाँ से जाने वाले हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग में मेरे को 9 बजे के बाद नहीं खाना तो मैं इसको पहले ही खा रहा हूँ। जलंधर के बिल्कुल पास, जलंधर सिर्फ 7-8 किलोमीटर रह गए। ये देखिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आ गई है यहाँ से। यहाँ से अमृतसर का रास्ता है 98 किलोमीटर, लगभग 1.5 घंटा हमें यहाँ से अमृतसर जाने के लिए लग जाएगा। ये अमृतसर, ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है आपके जो लेफ्ट साइड में, और हमने अभी अभी क्रॉस किया है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को और बढ़ चले हैं अमृतसर की ओर, और लगभग 1 या 1.5 घंटे में हम अमृतसर होंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अमृतसर। अभी अभी हमने जो है उसको गेट को क्रॉस किया, जैसे ही अमृतसर आता है एक बड़ा सुंदर सा गेट आता है, वहाँ पर हमने कुछ फोटोग्राफ्स खींची हैं वहाँ पर हमने, लेकिन लाइट की प्रॉब्लम थी इसलिए हम ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए। और अब हम जा रहे हैं अपने जो है मेरे जो कज़न्स हैं उनके घर, उनकी बेटी की शादी है, मेरी भतीजी की शादी है। तो शादी कल है, अभी वहाँ पर संगीत वगैरह चल रहा होगा तो अब वहाँ हम पहुँचने ही वाले हैं। आगे का प्रोग्राम क्या रहता है वो आपको बाद में बताएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 11 दिसंबर 2021, अमृतसर की ये सुबह है हमारी, और हम अब रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। देखते हैं, कुलचा खा के आएंगे और गोल्डन टेम्पल घूम के आएंगे, या कहीं कहाँ कहाँ जाते हैं अभी उस सब का व्लॉग आपके सामने लेके आएंगे। अभी हम उठे हैं, रेडी हुए हैं और चलने की तैयारी है। 5-7 मिनट में हम यहाँ से निकलने वाले हैं, तो चलिए अमृतसर घुमाते हैं आपको। हेलो दोस्तों, इस टाइम मैं हूँ अमृतसर, और अमृतसर का एक बहुत ही फेमस जगह है खालसा कॉलेज, जहाँ पर हर यूथ का दिल बसता है, हर यूथ की धड़कन बसती है। तो अभी हम हैं खालसा कॉलेज के सामने और आपको दिखाने वाले हैं खालसा कॉलेज, खालसा पब्लिक स्कूल। सबसे पहले यहाँ पर खालसा पब्लिक स्कूल है और साथ ही ये शुरू हो रहा है खालसा कॉलेज। बहुत ही शानदार इमारत, बहुत भव्य इमारत, एक राजा के महल की तरह दिखती है ये। ये गेट है खालसा कॉलेज का, और यहाँ से आप बाहर से देख सकते हैं खालसा कॉलेज का व्यू।
बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है यहाँ पर। ये खालसा कॉलेज, बहुत सारी वीर ज़ारा और ऐसे बहुत सारी फिल्मों की यहाँ शूटिंग भी हुई है और बहुत सारे सॉन्ग भी यहाँ शूट होते रहते हैं। देखिए फोटोग्राफी चल रही है यहाँ पर। तो ये हम एंटर हो चुके हैं खालसा कॉलेज के, और यहाँ पर अमृतसर में हर स्टूडेंट, हर एक सिंगर यहाँ पे जरूर आता है। खालसा कॉलेज सबके दिलों की धड़कन है। ये सामने आप देख सकते हैं चौक आया है, इधर है पार्किंग खालसा कॉलेज की, इधर पार्किंग है। और कैफेटेरिया है यहाँ पर, खालसा कॉलेज का कैफेटेरिया, और यहाँ पे पीजी डिपार्टमेंट है, एडमिशन सेल है यहाँ पर। सामने देखिए ये है खालसा कॉलेज की फार्मेसी, खालसा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी कॉलेज है ये खालसा कॉलेज फार्मेसी। यहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी भी निकलते हैं जो देश के लिए खेलते हैं। भंगड़ा टीम खालसा कॉलेज की फेमस है, बहुत कुछ फेमस है खालसा कॉलेज के बारे में। बिल्डिंगें बहुत ही पुराने स्टाइल से बनी हुई हैं, ऐसा लगता है कि जैसे पुरानी ईंटों से बनी हुई है, लेकिन ये सब मॉडर्न है, लेकिन इनको लुक ऐसी दी गई है। ये है फार्मेसी रिसर्च ब्लॉक, सामने है ग्राउंड जहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट चल रहा है, और बहुत सारे बच्चे यहाँ से क्रिकेट प्रैक्टिस करके नेशनल टीम में भी गए हैं हमारे। तो ये है खालसा का ग्राउंड जहाँ पर क्रिकेट खेला जा रहा है, प्रैक्टिस की जा रही है क्रिकेट की। तो ये है ग्राउंड खालसा कॉलेज का, आगे देख सकते हैं ये शायद बैक साइड है खालसा, ये है आगे जो है खालसा पब्लिक स्कूल है। बहुत ही भव्य इमारत, बहुत ही सुंदर दिखती है। ये सामने बॉयज़ हॉस्टल है, ये खालसा कॉलेज का बॉयज़ हॉस्टल है, देख सकते हैं खालसा कॉलेज का बॉयज़ हॉस्टल। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर चल रहा है क्रिकेट, प्रैक्टिस चल रही है, स्टूडेंट्स जगह जगह से आ रहे हैं। आजकल एग्जाम टाइम चल रहा है, चंदन बता रहा है, चंदन खालसा कॉलेज का ही स्टूडेंट है, ये भतीजा है मेरा और दोस्त भी है मेरा। ये जो है बता रहा है कि अभी एग्जाम चल रहे हैं और यही हमें घुमा रहा है खालसा कॉलेज। इंस्टाग्राम पे चंदन देवगन का अकाउंट भी है, उसको फॉलो कीजिए, और खालसा कॉलेज के बहुत सारे वीडियोस उसमें होते हैं। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ये आगे वाला फाउंडेशन स्किल डेवलपमेंट सेंटर है ये खालसा कॉलेज का, और इधर है खालसा कॉलेज का एग्रीकल्चर ब्लॉक, एग्रीकल्चर ब्लॉक है ये खालसा कॉलेज का। बहुत सारे कोर्सेज खालसा कॉलेज जो है ऑफर करता है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स पूरे पंजाब से यहाँ आते हैं पढ़ने, बड़ा फक्र महसूस करते हैं। ये है कैफेटेरिया जहाँ लोग एंजॉय कर रहे हैं कॉफ़ी और तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, कोशिश कर रहे हैं। इधर देखिए काफ़ी लोग जो है अभी पढ़ते हुए, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा ये रिवाज है कि एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ना है, बाकी चाहे सारा साल मस्ती की हो, एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ना है। तो ये पढ़ाई, यहाँ कोई और पढ़ाई भी चल रही है। सेंटर और हम खालसा कॉलेज में, यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की काफ़ी ज़्यादा प्रोहिबिशन है, सिक्योरिटी रीजन से काफ़ी ज़्यादा रोक टोक है, फिर भी हमने थोड़ी सी कोशिश की है कि आपको दिखाने के लिए बना पाएं। तो पीछे है ये सिख इतिहास का केंद्र जहाँ पर सिख इतिहास के बारे में सारा कुछ जानकारी दी जाती है।